नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन से दूसरी विशेष रेलगाड़ी के द्वारा 1600 प्रवासी मजदूरों को बिहार राज्य के लिए किया गया रवाना। विधायक बृंदमीर सिंह बाड़ा और डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद इशफाक की तरफ से की गई रवानगी। अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने पंजाब सरकार का किया धन्यवाद। रेलवे स्टेशन पर फूलों की वर्षा के साथ सरदार बृंदमीर सिंह पाहड़ा, हल्का विधायक गुरदासपुर और जनाब मोहम्मद इशफाक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से प्रवासी मजदूरों का शानदार स्वागत करने के उपरांत उनको रवाना किया गया। गुरदासपुर से विनीत उत्रा की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। अज टोटल तकरीबन 1600 बंदा जिहड़ा असी बिहार रवाना किया, और इस तो पहला भी गुरदासपुर प्रशासन ने यूपी, फिर एक दिन मध्य प्रदेश, अज फिर अगे इस दिन परसों बिहार, अज फिर 1600 बंदा बिहार भेजा। और मैं सब तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मुख्यमंत्री पंजाब का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने पहलकदमी करके ना सारे दा जो टिकटों का खर्चा वो पंजाब सरकार ने चक्या, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। और इस तो बाद भी जे मैं प्रशासन की गल करा, डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर तो लैके जिन्हें भी ऑफिसर समान और उन्होंने नाल, चाहे वह SDM, चाहे ADC, चाहे GA, चाहे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उन्होंने नाल सबॉर्डिनेट जिन्हें भी सहयोगी सके, डे वन तो इन्होंने करोना के भी बहुत मदद की लोगों की, और बड़े सिस्टमैटिक वे दे नाल ये सारे सिस्टम नू हैंडल किया। और मेरे ख्याल ना मैं ये समझदा कि पंजाब दे विच जेकर ये बाहर दे लोग, बाहर दे सूबियां दे लोग सब तो वध खुशी खुशी घरां नू ट्रेनां ते बसां ते असीं इत्थों रवाना किया, और उन्हां दा पुख्ता प्रबंध करके उन्हां दा खाण पीन दा और उन्हां दे नाल पानी तक दा व्यवस्था जिहड़ी आ प्रशासन ने कराई आ, असीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी धन्नवाद करदे हां कि उन्हां ने इस बहुत औखी घड़ी दे विच इन्हां लोकां दी जिहड़ी खर्चा चुक के और इन्हां लोकां नू अपने अपने घरां च पहुँचाया। और जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा धन्नवाद आ, उत्थे नाल दी नाल साडा जिहड़ा जिन्ना प्रशासन, और मैं बतौर विधायक गुरदासपुर होण दे नाते साडा एक टीम वर्क सीगा, और बहुत अच्छे ढंग दे नाल गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट असीं सारा मैनेज कीता। और अज सारे लोग ये उत्थे जा के भी लोग टैलीफोन कर रहे हैं, चाहे कोई MP च बैठा जां UP च, उन्होंने टैलीफोन मैनूं आ रहे हैं कि असीं बहुत खुश हाँ और इत्थे भी तुहाडियां प्रशासन गुरदासपुर ते तुहाडियां गल्लां कर रहे हैं। सो इस करके मैं समझदा कि इंसानियत नाते ते असीं सारे प्रशासन ने और सारिआं ने अगे वध के कीता, और ये बहुत जरूरी सीगा। वाहिगुरू इस नेक काम नूं होर सानूं उत्साह देवे, और जिहड़े भी रहिंदे लोक ने असीं उन्हां नूं जल्द तो जल्द घरां ते पहुँचावांगे। भाजी, बेसिकली अज ट्रेन भेजण तो बाद अज 1600 लोग गए, जिवें MLA साहब ने दस्सिया हैगा, और इस तो पहले असीं 1200 लोग उत्तर प्रदेश भेजे सीगे। इहदे नाल नाल असीं अपने हुशियारपुर तो, अमृतसर तो भिन्न भिन्न ट्रेनों के राही पहला भी लोगों को भेज चुके हैं। हुण साढ़े गुरदासपुर के मेजर लोग जा चुके हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ के रह गए ने जिहड़े कि 100-200 बंदे ने, उन्होंने भी असं अपने अमृतसर टाइप करके वापस भेज देंगे। और इन असी जो प्रबंध किया है वो इस प्रकार किया कि दो दिन जो सफर रहेंगे तो इन्हें 2 दिन का भोजन हैगा, तकरीबन 10,16,000 रुपये असं टिकट के पैसे जमा कराए ने। वो रेलवे वालों टिकटा उदों भी जारी की जाए जो असं एडवांस पैसा दें, तो अच्छे सवेरे 10,16,000 रुपया रेलवे में असी जमा कराया, प्लस असी इन्हों पीन वाला पानी, चने, गुड़, खाना वो समान दे के भेजे, ड्राई राशन भी नाल दिता ताकि राह जो कोई खाने पीने का समान ना भी मिले तो इन्हों कोई मुश्किल ना आए। और इन्हों का मेडिकल करवाया गया, लिस्टा बना के जो इन्हें बिहार के नोडल अफसर उन्होंने शेयर कर लिया ने हमने थोड़े 2 मिनट पहला, उत्थे एक IPS ऑफिसर लगे हुए हैं, और असं पूरा तालमेल हैगा। तो ये साढ़े गुरदासपुर के जी थोड़ी जी लेबर की समस्या आ रही थी, कुछ लोग परेशान हो रहे थे, वो सारी खत्म हो गई है। और मैं आस है जो बाकी साढ़े लोग बचे ने बहुत थोड़ी तादाद रह गए हैं, 300-400 लोग, वो असं अमृतसर नहीं वापस भेज देंगे।